कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को खाद्य आपूर्ति कार्यालय के बाहर थाली व बर्तन बजाकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता जिला महामंत्री हेमंत साहू के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने राशन कार्ड में जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता का आदेश देकर गरीबों की थाली से राशन छीनने का काम किया है। प्रदेश के 80% जनता के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसे में राशन कार्ड पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। सरकार गरीबों के शोषण पर तुली है और इस निर्णय को सरकार को हर हाल में वापस लेना होगा। मोदी सरकार देश की जनता के साथ प्रतिदिन अत्याचार करने का काम कर रही है। अब एक नया फरमान जो बेसुरा फरमान है उसको जारी करने का काम किया है। राशन कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति को जाति कार्ड अनिवार्य रूप से लगाना होगा। ये हिटलरशाही तानाशाही फैसला है। इस फैसले की वजह से गरीब लोग राशन से वंचित होंगे। गरीब लोगों के एकमात्र उनके परिवार के पालन पोषण के एक संसाधन जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में राशन मिलता था वो था, उसको छीनने का काम मोदी सरकार कर रही है। आज हमने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया है, मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हमने इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग की है कि तत्काल ये हिटलरशाही फरमान वापस हो, क्योंकि जनता की आवश्यकता राशन कार्ड है। सरकारी दफ्तर में भी राशन कार्ड की आवश्यकता होगी। जब राशन कार्ड ही नहीं बनेगा तो सरकार की योजनाओं से भी जनता वंचित होगी। ये बहुत ही घटिया फरमान है। इसका पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। हम लोग मांग करते हैं इस तरीके के हिटलरशाही फैसले तत्काल वापस हो। देश के 90% लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। जनरल जाति के लोग तहसील में जाएंगे, वहां कालाबाजारी बढ़ेगी, वहां पर दलालों को पैसा देने का काम होगा। एक एक आदमी को, पूरे परिवार के मेंबर को जाति प्रमाण पत्र एकत्र करना, जन्म के कागज इकट्ठा करना, ये बहुत टेढ़ी खीर है। या तो सीधे सीधे सरकार कह दे, मोदी सरकार कह दे कि हम सब देश के लोगों के राशन कार्ड को समाप्त कर रहे हैं, तो बात खत्म हो जाएगी, देश की जनता उसको स्वीकार करेगी। लेकिन इस तरीके का हिटलरशाही फैसला, ये काला कानून है। इस तरीके के फैसले का हम लोग विरोध करते हैं, हम मांग करते हैं इस तरीके की हिटलरशाही किसी भी कीमत में कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर थाली और चम्मच बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारे थाली से राशन छीनने का काम किया जा रहा है इसको तत्काल बंद किया जाए, वरना कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक बहुत आर पार की लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। साथ ही साथ इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हिटलरशाही को तत्काल वापस करने का काम करें, वरना इस प्रदेश की जनता 2022 में भाजपा की विदाई करेगी, साथ में केंद्र से 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी।